ये है जी शीट, सही है। और आज बारिश होने वाली है, बंदोबस्त कर लेते हैं ना आज पहले इसका। हाँ ना यार, आज महकमा मौसमियात वालों का कहना है कि आज बहुत तेज बारिश आने वाली है, तो हमने सोचा है कि हम अपने मकाओ को इस घर से शिफ्ट नहीं करेंगे जब बारिश आएगी, क्योंकि आप सब भाई कह रहे थे कि भाई आप इनको बार बार शिफ्ट करें तो ये फिर अंडे नहीं देंगे, आप इनको एक ही जगह पर रखें। तो हम आज इनके घर की शीट लगाने वाले हैं, घर की छत के ऊपर, ताकि इनको बारिश में कोई मसला ना हो। तो सितन चलो काटना शुरू कर दो यार, चलो चलो चलो। ये वही शीट है सितन जो हमने नहीं लगाई थी, मैंने फिर रख दी थी कि काम आएगी, अभी आज काम आ गई ना साल बाद। हाँ ना, चलो भाई सीधा करो इसको सितन, काटो 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 काटो। हाँ हो गया हो गया हो गया। हाँ इस तरह, वो देखो ऊपर कैसे देख रहे हैं। चलो सेट करो, करता हूँ, क्या हो गया। हाय 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 हाय, रख दिया। अब इसकी बारी दूसरी साइड। हाँ करो। तो यार एक शीट तो हमने बिछा ली है, अभी दूसरी की बारी। चलो चलो बनाओ यार, जल्दी लगाओ सिपते हैं। बस क्या हुआ, जैक भाई ने काटा मेरे को भाई। ओए होए होए होए, देख रहे हो, फोन भी निकाल सकते हैं ये लोग, दिखा। ओए भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब, ठीक हैं। जैक और विजी के घर की छत के ऊपर यार शीट लग चुकी है, अब आराम से यहाँ पर रहेंगे। और विजी पता है तुम्हारा आज नेस्टिंग बॉक्स भी आ जाएगा रास्ते में, वो भी आने वाला है, सही है। और मेरे ख्याल में सिर्फ जब नेस्टिंग बॉक्स लग जाएगा ना, फिर ये आपस में लड़ेंगे नहीं, है ना, ऐसे है ना, हो सकता है, मुझे नहीं पता। अच्छा तुम पट्टी करके हो ना सिप्तान, ऐसे खड़े हुए हो, इतना खून बह रहा है। अभी मैं इसलिए नहीं बांध रहा, दर्द हो रहा है, काटता है भाई कुत्ते वाला। ओए ओए ओए, तो तुम जाओ ना पट्टी छट्टी करके आओ, सही है, मर्जी है भाई। विजी जाओ तुम खाना खा लो यार, चने वने रख दिए हमने, सही है। ओके भाई आ जाओ सिप्तान। यार ये पता नहीं गंदे पानी में क्यों नहा रही है डक्स, यार कितना गंदा पानी हो गया यार, फिर भी उसमें नहा रही थी ये डक, चलो निकल गई है। बाकी कछे हमारे इसी गंदे पानी में आई है, और मैं इसको साफ कर करके थक गया, साफ ही नहीं होता, फिर दोबारा ग्रीन हो जाता है, गंदा सा हो जाता है। खैर अभी मैं इसको वेस्ट कर लेता हूँ पानी को। तो मैंने ये डस्ट के तीन बच्चे लेके जा रहा हूँ टर्की बर्ड के पास, क्योंकि एक और भी आज मर गया था बेचारा, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि टर्की बर्ड जो मारा है ना, वो शायद इनकी सही केयर करे। कल हमने ना उसके नीचे दो अंडे जब निकाले थे, उनमें से बच्चे निकले हुए थे, तो अभी ये तीन भी उसके साथ रख देते हैं, क्योंकि उसने अभी भी बच्चे निकाले, तो हम नए बच्चे रख सकते हैं उसके साथ। देख मेरे को हाँ भी टर्की बर्ड, बाकी मैं ये देख लेता हूँ कि वो दो बच्चे भी इसने सही पाले हुए हैं कि नहीं, वो ना हो कि वो मर गया। हाँ 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 दोनों ठीक है, दो 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 दो। ओ भाई भाई यार, ओए ओए भागो वहाँ से, इन्होंने जंप कर दिया यार, जो मैं तीन नहीं लाया था। इधर आओ भाई, मैं इनको इधर छोड़ देता हूँ सबको, सारे के सारे। तीन अभी लाया हूँ मैं, और दो ये पहले से निकले हुए थे। चलो चलो लगा दो आगे से ऐसे। अब ये बच्चे जो है ना बाहर नहीं जा सकते, अगर बाहर जाएंगे तो मुर्गियां टर्की बर्ड्स बाकी वाले जो है ना मार सकते हैं इनको। अगर इनकी जिंदगी में लिखा होगा कि यहाँ पर ये पल सकते हैं, तो इंशाल्लाह इनको कुछ नहीं होगा। यार पाइप ले आओ सिप्तान, इधर पानी दे दें। माशाल्लाह दोस्तों देखें बेलें कितना बड़ी हो रही हैं, देख रहे हो सिप्तान, माशाल्लाह देख ही रहा हूँ दो महीने। देखो यार ये कवर हो रही है ना, देखो ग्रीन ग्रीन सी फील आ रही है। और एक और चीज़ दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये मैं कहता था ना कि हमारे परिंदे खुश होंगे जी ग्रीनरी को देख के जी, बाहर वाले परिंदे भी यहाँ पर आके खुश हो रहे हैं, वो कैसे, यहाँ पर ना मैना आई हुई थी। ओए भाग, हट जाओ हट जाओ हट जाओ, थोड़ा सा क्या दरवाजा खुला फौरन आ गई है, हट जाओ चलो जाओ, भागो भागो भागो, इन्हों की मैना भागो। सितन कल मैंने देखा कि यहाँ पर मैना आई हुई थी, इधर इसके अंदर भी जा रही थी, इसके अंदर भी जा रही थी, इसका मतलब ये हुआ उनको ये वाली जगह पसंद आ गई है, और यहाँ पर वो घर बनाना चाहती है, बच्चे भी देंगी ना, ऐसा ही होगा ना, अंडे शंडे देंगी, बच्चे शच्चे निकलेंगे, फिर देखेंगे मजा आएगा बहुत ज्यादा। ये देखिए यार यहाँ पर ना काफी ज्यादा नेस्टिंग मटेरियल है, और यहाँ पर हमारे अभी तक मास्टर केज की छत नहीं है, तो जंगली परिंदे जो भी आएंगे यहाँ पर घर बनाने की कोशिश करेंगे। सिप्तान हमने कौन सा रोकना है, जिसने जो करना करे, जब तक मास्टर केज नहीं बनता, सही है। यहाँ पर काफी ज्यादा नेस्टिंग बॉक्सेस है, देखे ओए होए होए, आ जाओ चलो हट जाओ भाई, तुम जो यार हमारी बाकी मछलियां तो तैरती रहती है, लेकिन हमारी जो पैरेट फिश है ना, वो देखिए अंदर छुपी रहती है, पता नहीं इसको क्या मसला है यार, डरती है ना बेचारी, क्योंकि हाँ। बड़ी बड़ी मछलियां है ना, हाँ काट सकती है ना, इस वजह से डरती है, वो छुपी हुई है। अब लेकिन बाहर आ जाएगी, मैं जो ही खुराक दे लूंगा सिप्तान, देखना ये यहाँ से पहले देखेगी कि खुराक आ गई है, हाँ। फौरन जल्दी से निकलेगी और खा के फिर अंदर छुप जाएगी। चलो डाल दो, इनको पता चल गया कि हमें खुराक मिलने वाली, देखो कैसे कैसे हो रही है, ये मैं डाल रहा हूँ, ये लो भाई खाओ 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 खाओ, खा लो भाई खा लो खा लो मजे से, ये तो खाती रहेगी, इसको जरा देखना तुम, ये निकलेगी सिप्तान, देखना आप
आ गई। कैसे जा रही है? ऊपर जाएगी खाना खाने के लिए। गुड। जो ही छांव होती है ना, हम क्या करते हैं, ऐश फियोना को ना इधर बंद कर देंगे। फियोना को हमने बंद कर दिया यहाँ पर, ऐश को भी इधर कर देंगे अभी बंद। जबरदस्ती क्यों कर रहे हो, खुद नहीं आ रहा? नहीं ना, अभी लाड करने की कोशिश कर रहा हूं। चलो इसको यहाँ पर बांध दो, फिर शाम को ना जब सूरज ढल जाएगा फिर हम इनको खोल देंगे यहाँ पर, फिर घूमेंगे। हाँ वाक के लिए। क्या हो गया फियोना, अभी यहाँ पर तुमने बांधे रहना है, सही है, थोड़ी देर के बाद तुम्हें हम खोलेंगे। छोड़ दो उसको, छोड़ दो, तंग कर रहे हो उसको। ओए भस, अभी तक इनकी आवाज देख रहे हो यार, बच्चों वाली है। अभी तक ये पूरे बड़े नहीं हुए, जब पूरे बड़े हो जाएंगे कितना भारी आवाज होगी इनकी। फियोना की बच्चों वाली है, लेकिन ऐश की आवाज काफी भारी है सितैन। अच्छा हाँ जी। तो यार अभी हमने क्या करना है, हमारे मकाओं का ना नेस्टिंग बॉक्स आ चुका है। काफी दिनों से हमें वेट था कि कब इनका नेस्टिंग बॉक्स लगेगा। बन चुका है भाई, अब बन चुका है, रास्ते में आने ही वाला है, यहाँ पर लग जाएगा बड़ा सा नेस्टिंग बॉक्स, प्यारा सा। अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। तो फाइनली यार हमारा मकाउस का नेस्टिंग बॉक्स आ चुका है मिनी जू में। चलो उठाओ भाई, तुम्हारा काम नहीं, बहुत भारी है भाई। आराम से आराम से आराम से। आ गया, क्या ही बात है, क्या ही बात है। माशाल्लाह कितना बड़ा है तुराब। जैसे हमारे तोते बड़े ना, वैसे बॉक्स भी बड़ा है। वैसे तो छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, लेकिन इनके लिए बड़ा बॉक्स। अब असली मसला ये होगा कि अंदर से गुजरता कि नहीं गुजरता, देखते हैं। तोतों को उठा लेते हैं, आ जाओ तुम्हारे लिए, ऐसे ही लेके चलना ठीक है। फाइनली फाइनली चलो ले चलो। अच्छा अच्छा अभी एक मिनट, अभी ऐसे ही हाँ रख दो। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हमारे जैक और विजी का नेस्टिंग बॉक्स लग चुका है, और अब हम दिखाते हैं इनको अपना नेस्टिंग बॉक्स। चलो भाई जाओ, चलो बैठो, शाबाश यहाँ पर बैठ जाओ। चलो ये तो जैक है मेरे ख्याल में, विजी को असल तो विजी जाएगी ना अंदर। चलो भाई विजी आ जाओ, जाएगा क्यों, आ जाओ आ जाओ, चलते हैं इसको उठाओ यार। हाँ भाई चलो 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 चलो, इधर बैठो, चलो शाबाश हैं भाई। नहीं, चलो आ जाओ यार, इनको छोड़ दो इधर आओ। ये किस लिए है? ये है जब बच्चे शच्चे निकालेंगे ना। अच्छा। फिर हम यहाँ से देखा करेंगे खोल के ना, यहाँ से इमेजिन करो ऐसे हम खोले और अंदर 15-20 बच्चे हो। 15-20 दो तीन अंडे देती है सिर्फ, ये ज्यादा नहीं देती। चलो हैं चलो। हाँ भाई विजी कैसे लगा, तुमने तो देखा नहीं है, जय गौर करके देख रहा है, तुम यहाँ पर आके बैठ गई हो। यही ना अंडे दे दे। ये फीमेल तो नहीं भाई, जय फीमेल तो नहीं है। इसका डीएनए टेस्ट हमने वैसे करवाना है दोस्तों, एक रिफ्रेश हो जाएगा ना कि असल है ना, ऐसे करवाना पड़ेगा। हाँ फिर अभी से यार हम थोड़ा सा बाहर गए और हमारा जैक अंदर घुस भी गया। अब तो मुझे पक्का शक होने लगा है कि ये फीमेल नहीं है। पीछे हो जाना, डरा रहे हो उसे तुम। नहीं नहीं वो पीछे से थोड़ी देख रहा है। क्या ही बात है। हाँ भाई जैक कैसा लग रहा है अंदर? क्या बात है माशाल्लाह, ये बैठा है। नहीं मैं यार देख रहा था किस तरह लग रहा है। ठीक है ठीक है। तो यार रात हो चुकी है और हम समझ रहे थे कि आज बारिश आएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज जितना परेशानी थी ना, बनाया है लगाया है और बारिश ही नहीं है। बिल्कुल यार, शीट वीट लगाई है लेकिन बारिश नहीं आज। लेकिन आज इनका नेस्ट बॉक्स आ चुका है भाई, इधर अब घूमते रहेंगे, जब बारिश आएगी ना इसके अंदर घुस जाएंगे। ये भी है, अंडे अगले साल देंगे भाई कह रहे थे। हाँ ऐसे कह रहे थे, क्या पता जल्दी दे दे उनको। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पता चले कल दो अंडे दिए। हाँ सही सही सही, इतना जल्दी नहीं देंगे खैर। अच्छा, ये देते लेकिन सिप्तन गर्मियों में है, मकाओ पैरट्स। हाँ जी चलो हम गर्मियों में इंशाल्लाह नेक्स्ट गर्मियों में देंगे। एक साल सिप्तन कहीं नहीं गए भाई, ये आप समझ लो। अभी क्यों मंगवाए, ये देखेंगे घर अपना बनाएंगे फिर दे देंगे ना। अच्छा सही है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और हमारे चैनल शहर में देहात को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल, अभी के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। क्यों यार छेड़ रहे हैं उनको, आराम से बैठा हुआ था। मोर को मैंने पकड़ा पूंछ को, तो मैंने कहा देखता हूँ कितना सॉफ्ट है, लेकिन उसे जंप मार दी।
लेकिन एक और मुझे टेंशन बात दे रही है, तुम जो टर्की बर्ड के नीचे वो चूजे रख के आ गए हो मुर्गी के, वो बिल्ली ना ले जाए। मुर्गी के नहीं है वो, बतख के। बतख के है ना, हाँ जाओ उसको कवर करके आओ ना। अच्छा। आगे वो शीट दे दो यार, सिप्तान गलत किया था हमने, अभी मेरे ध्यान में आ रहा है। नहीं दी हुई थी यार, केले भी मर रहे थे वहाँ पे भी, देखो क्या पता वो पाल ले थे। नहीं मुझे नहीं लगता, बत्तख के बच्चे पता नहीं कैसे पलते हैं, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। ऊपर चलते मैं भी आता।